हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है नारियल के बुरादे का लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी बन जाता है। ये दिवाली स्पेशल नारियल के लड्डू हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। कढ़ाई में हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 400 ग्राम नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आए। हम अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। हमको इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो क्या होता है नीचे नीचे लगने लगता है। हमने अच्छे से नारियल के बुरादे को अच्छे से भून लिया है। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है और बहुत ही स्लो आंच पे इसको भूनना है, नहीं तो क्या होता है नीचे नीचे से हमारा नारियल नीचे नीचे लगने लगता है। अब मैं इसमें एक छोटी ग्लास से दूध डालूंगी। दूध मैंने फुल फैट का लिया है, आपका जैसा मन हो आप वैसा ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से फैलाएंगे जब तक इसमें सारा दूध अच्छे से मिक्स ना हो जाए। हमको दूध डाल के मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। तो हमारा दूध इसमें अच्छे से नारियल में सोख लिया है। अब हम इसमें चीनी डालते हैं इस स्टेज पे। मैं 400 ग्राम नारियल का बुरादा ली हूँ तो 200 ग्राम मैंने इसमें चीनी ली है। आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। हमें इनको तब तक से अच्छे से मिक्स करना है जब तक हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट ना हो जाए। जब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमको 1-2 मिनट और चलाएंगे, उसके बाद गैस को बंद करेंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 4 से 5 मिनट थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस बहुत ज़्यादा गर्म बनाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ये थोड़ा ठंडा होने पर भी हम इस लड्डू को बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको प्लेट में निकाल सकते हैं या इसी में रहने देते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसको बनाएंगे। हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसका लड्डू बना लेंगे। मैंने थोड़ा सा बुरादा अलग से रख दिया था। मैंने जो बुरादा रखा था अब हम उसी में जैसे लड्डू को नारियल के लड्डू को डालेंगे उसी में से लगा के रख देंगे, जिससे हमारा नारियल का लड्डू दिखने में और भी अच्छा लगे और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा जैसे आपको पसंद हो आप वैसे इसका लड्डू बना सकते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाला और बहुत टेस्टी लड्डू होता है। दिवाली पे आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह हम सारे लड्डू को बना के ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं आपको एक बार इसको खा देती हूँ। डालेंगे आप तो आपके मुंह में घुल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।